जैसे आप सभी को पता है, इस बार पीएटी का एग्जाम न होकर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में 12वीं के प्रतिशत के आधार पर सिलेक्शन होना है। तो हम आपको सरल भाषा में समझाते हैं कि ऑनलाइन प्रक्रिया हमारे इंदिरा गांधी में प्रवेश लेने के लिए कैसे करना है। और अगर अभी तक आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आइकन बटन को दबा करके सब्सक्राइब करिए और फिर हम आगे का प्रक्रिया आपको बहुत सरल भाषा में समझाते हैं। अगर आप लोगों को किसी प्रकार का शिकायत आता है या कोई समस्या होती है तो हमारे नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में जाकर के जरूर कमेंट्स करिएगा। चलिए आइए बताते हैं कि काउंसलिंग प्रक्रिया, ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया कैसी है। प्रवेश हेतु आवेदन करने एवं ऑनलाइन काउंसलिंग के समस्त चरणों में भाग लेने हेतु अभ्यर्थियों को केवल एक बार ही पंजीयन कराना होगा। इस पंजीयन की प्रक्रिया में 12वीं कक्षा में कृषि एवं विज्ञान समूह के समस्त श्रेणी एवं वर्ग के अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। इस हेतु निर्धारित तिथि के पश्चात पुनः पंजीकरण की सुविधा संपूर्ण काउंसलिंग कार्यक्रम के दौरान प्रदान नहीं की जाएगी। अर्थात यदि अभ्यर्थी निर्धारित तिथि के मध्य ऑनलाइन आवेदन नहीं करता है तो 2020 की ऑनलाइन काउंसलिंग के आधार पर प्रवेश पाने के पात्र नहीं रहेगा। पंजीकरण एवं आवेदन करने हेतु वेबसाइट www.igkvmis.cg.nic.in इन पर जाएं तथा एडमिशन 2020-21 को क्लिक करें। क्लिक करते ही यूजी ऑनलाइन काउंसलिंग 2020-21 दिखाई पड़ेगा, जिसमें बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर एवं बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी आदि दिखाई पड़ेगा। उसके बाद बीएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर को क्लिक करने पर साइन अप का ऑप्शन दिखाई देगा, उसे क्लिक करें। साइन अप पेज में अपना पूरा नाम, कक्षा 10वीं के जन्म तिथि एवं मोबाइल नंबर भरना होगा। छात्र वही मोबाइल नंबर पंजीकृत करें जिसे वह उपयोग करता है। संपूर्ण जानकारी भरने के पश्चात गेट ओटीपी का ऑप्शन आएगा, गेट ओटीपी क्लिक करें। दर्ज किए गए मोबाइल में एक ओटीपी प्राप्त होगा, उसे भरने के पश्चात आपको आपके मोबाइल नंबर में आपकी आईडी एवं पासवर्ड भेजा जाएगा। उसके पश्चात लॉगिन को क्लिक करें। लॉगिन करने हेतु भेजी गई आईडी एवं पासवर्ड का प्रयोग करें। लॉगिन करने के पश्चात आपका आवेदन फॉर्म भरने का पेज खुलेगा। इस पेज में अभ्यर्थी को स्वयं के संबंधी जानकारी भरनी होगी। जानकारी भरकर सेव करें एवं नेक्स्ट क्लिक करें। स्वयं से संबंधित शैक्षणिक जानकारी भरने का पेज खुलेगा। इसमें आपका स्कैन फोटो जो है वो 50 KB का से कम होना चाहिए एवं हस्ताक्षर जो है 20 KB से कम अपलोड करें। आवश्यक जानकारियां दर्ज करें, सेव करें एवं नेक्स्ट क्लिक करें। विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित शासकीय एवं निजी कृषि महाविद्यालय एवं अभियांत्रिकी महाविद्यालयों की सूची दिखाई देगी। प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रवेश हेतु इस सूची से महाविद्यालयों को प्राथमिकता के अनुसार चयन करना होगा। जैसे आपको जिस महाविद्यालय को पहली प्राथमिकता देना है उस पर आप टिक करते चलेंगे। समस्त महाविद्यालयों का प्राथमिकता अनुसार चयन करना अनिवार्य है। इस हेतु एक रेखा भी उपलब्ध होगा जिसे देखकर आप यह कार्य कर सकते हैं। एक लिस्ट बना रहेगा सारे कॉलेजों का, उसमें आप जिस कॉलेज को चयन करना चाहते हो उसमें टिक करते जाएंगे, वो उसके आधार पर आपको कॉलेज का चयन दिखाई देगा। चयन हेतु संबंधित महाविद्यालय को ड्रैग करें, अपनी प्राथमिकता अनुसार ऊपर नीचे सूचीबद्ध किया जा सकता है। यह प्रक्रिया तब करें जब तक संपूर्ण महाविद्यालय आपकी प्राथमिकता के अनुसार सूचीबद्ध नहीं हो जाता। समस्त महाविद्यालय को प्राथमिकता अनुसार सूचीबद्ध कर लेने के पश्चात अपडेट प्रिफरेंस क्लिक करें, इससे आपकी प्राथमिकता सेट हो जाएगी। ध्यान रखें कि अपडेट प्रिफरेंस न करने पर आपकी प्राथमिकता सेव नहीं होगी। इसके पश्चात कंफर्म बटन क्लिक करें। यदि प्राथमिकता सही है तो यस को क्लिक करें और यदि वापस जाकर प्राथमिकता पुनः बदलना चाहते हो तो नो क्लिक करें। अभ्यर्थी अपने महाविद्यालयों की सूची को ध्यानपूर्वक सूचीबद्ध करें क्योंकि इसी सूची के आधार पर उन्हें महाविद्यालयों का आवंटन किया जाएगा। इसके पश्चात अभ्यर्थी अपने समस्त दस्तावेजों का चयन करें जिनको अपलोड करना है, जो आपके प्रकरण के अनुसार आवश्यक है। प्रत्येक दस्तावेज किस प्रारूप में आवश्यक है वह भी डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में वेब क्लिक करके देखा जा सकता है। दस्तावेज हेतु निर्धारित फाइल टाइप एवं साइज निम्नानुसार है, जैसे 10वीं और 12वीं, छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र, हमारा जाति, स्थायी आमदनी, फिजिकल हैंडीकैप्ट, कृषक प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, नक्सल अफेक्टेड एरिया, ये सब का 500 से 500 से अधिक KB का जो फाइल है नहीं बनना चाहिए। इसे हम PDF में भी और JPG फाइल के रूप में भी अपलोड कर सकते हैं। जो हमारा फोटो है वो 50 KB से कम होना चाहिए, जो हमारा साइन है वो 20 KB से कम होना चाहिए। दस्तावेजों को केवल निर्धारित साइज एवं टाइप में अपलोड किया जा सकता है। अभ्यर्थी ध्यान दे कि स्कैन दस्तावेज पढ़ने योग्य अवश्य होना चाहिए, अन्यथा आवेदन आपका निरस्त कर दिया जाएगा।
अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन फॉर्म में जिस वर्ग की श्रेणी के जैसे ओबीसी एसटीएससी पीएच नक्सल अफेक्टेड प्राइमेटी ट्राइबल फीमेल कृषक फ्रीडम फाइटर को भरा है वही वर्ग एवं श्रेणी काउंसलिंग के सभी चरणों में मान्य होगा। इसमें किसी भी प्रकार का सुधार पंजीयन तिथि समाप्त होने के पश्चात नहीं किया जा सकेगा। दस्तावेज अपलोड होने के पश्चात सेव करें एवं नेक्स्ट को क्लिक करें। ऐसा करने पर पूरा आवेदन फॉर्म कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा। अभ्यर्थी समस्त बिंदुओं का परीक्षण कर लें, यदि त्रुटि है तो सुधार करें, यदि सुधार आवश्यक हो तो सुधार करने के लिए बैक टू एडिट बटन को क्लिक करें तथा सभी सुधार करने के पश्चात अंत में फाइनल सबमिट को क्लिक करें। इससे आवेदन फॉर्म जमा हो जाएगा। फाइनल सबमिट क्लिक करने के पश्चात अभ्यर्थी के लिए फीस जमा करने की स्क्रीन उपलब्ध होगी। इस पर कन्फर्म बटन को क्लिक करने से पेमेंट गेटवे पर रिडायरेक्ट किया जाएगा। समान एवं पिछड़ा वर्ग हेतु काउंसलिंग फीस 300 रूपए है एवं एसटी एससी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 100 रूपए निर्धारित किया गया है। काउंसलिंग फीस केवल ऑनलाइन माध्यम से जमा की जाएगी। इस हेतु दर्शाए गए बैंक के एटीएम कार्ड या नेट बैंकिंग का उपयोग किया जा सकता है। काउंसलिंग फीस का भुगतान वह पंजीकरण के अंतिम तिथि तक कर सकता है। यह फीस किसी भी स्थिति में चाहे वह प्रवेश ले या न ले वो फीस आपको वापस नहीं किया जाएगा। काउंसलिंग फीस सक्सेसफुल होते ही कंप्यूटर स्क्रीन पर रिसिप्ट एवं आवेदन फॉर्म दिखाई देगा एवं अभ्यर्थी पंजीकृत हो जाएगा। प्रिंट क्लिक कर रिसिप्ट एवं आवेदन फॉर्म को प्रिंट कर लें। यदि अनसक्सेसफुल पेमेंट का मैसेज दिखाई देता है तो अभ्यर्थी को पुनः पेमेंट करना आवश्यक होगा। इस हेतु अभ्यर्थी को पुनः अपने आईडी एवं पासवर्ड से लॉगिन भुगतान करना होगा। आप सभी को अपना जो आपको आईडी और पासवर्ड मिलेगा उसको जरूर सेव करके रखें ताकि वो आपका सारे काउंसलिंग में काम आएगा। अब हम आपको आगे ले चलते हैं काउंसलिंग प्रक्रिया के बारे में बताने के लिए। आपने सारा डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया है। सबमिट करने के बाद आपका जो मेरिट एक रैंक निकलेगा परसेंट, जैसा हमारा परसेंट है परसेंट बेस पे हमारा मेरिट रैंक निकलेगा और जो मेरिट रैंक आएगा उस पे हमारा दिखाएगा कि आपको ये कॉलेज मिलने वाला है ऐसा कॉलेज मिलने वाला है करके। फिर अपना डॉक्यूमेंट लेकर के हम लोग पास के जो महाविद्यालय है कृषि महाविद्यालय उद्यानिकी महाविद्यालय जो हमारे सारे जिले में कृषि विज्ञान केंद्र है केवीके है वहां पर जाकर के हम अपने सारे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करा सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद हमारा जो कॉलेज लिस्ट वाला हमारा डॉक्यूमेंट अगर सही पाया जाता है तो फिर हमारा कॉलेज रैंक निकलेगा कि इस रैंक पे इस कॉलेज आपको दिया जा रहा है करके। और अगर हमको उस रैंक पे हमको जिस कॉलेज चाहिए अगर एक्चुअल में हमको वही कॉलेज मिलता है तो फिर हम उसको अपना हमारे पास दो ऑप्शन रहता है, एक फ्रीज करने का एक फ्लोट करने का। अगर हम फ्रीज करते हैं तो हमको वही कॉलेज लेना पड़ेगा और अगर हम फ्लोट करते हैं तो हमको दो ऑप्शन मिलता है, हम वो कॉलेज न लेकर के उसको ऑप्शन में रख करके हम नेक्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और फ्रीज करने के बाद या फ्लोट करने के बाद हमको जो कॉलेज मिला रहेगा उसके लिए हमको फीस जमा करना अनिवार्य है। अगर हम फीस जमा नहीं करते निर्धारित समय सीमा तक का तो हमारा जो सीट है वो स्वतः निरस्त हो जाएगा। और सेकेंड एंड वैसी सेम सेकेंड एंड थर्ड राउंड का काउंसलिंग होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सेकेंड और थर्ड राउंड काउंसलिंग के बारे में बताएंगे। और अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आया होगा तो नीचे मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे मेरे से फोन करके संपर्क कर सकते हैं। अगर फॉर्म भरने में कोई दिक्कत जा रहा होगा तो आप मुझे फोन से बात कर सकते हैं। धन्यवाद।